देखो नाते रिश्ते संबंध जो है ना साहब, ये ब्लड के नहीं होते हैं। ब्लड के हैं एक अच्छी बात है, लेकिन इन ब्लड में यदि भावनाओं का चीनी नहीं घुला है तो वो ब्लड भावनाओं का ब्लड हो साहब। हैं? द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, सबको बुलाया, सब आए वीर उपस्थित हुए। कुछ जलते थे, लेकिन अब जलते थे लेकिन भगवान सन्मुख खड़े थे, कोई बोलता नहीं था। शिशुपाल भगवान की बुआ का लड़का है शिशुपाल, भगवान श्री कृष्ण को इतने अपशब्द कहता है, विरोधी मानता है। जब शिशुपाल का जन्म हुआ था तो आकाशवाणी हुई थी कि भगवान श्री कृष्ण से इसको गति प्राप्त होगी, ये मरेगा। शिशुपाल की मां ने भगवान से कहा, गोविंद तुम क्या ऐसा करोगे? कहा नहीं बुआ, हम नहीं करेंगे ऐसा, लेकिन नियति यही है, प्रकृति यही कहती है। तो कहा बुआ मैं आपको इतना वचन दे सकता हूं, मैं इसको मारूंगा ये तो प्रकृति जानेगी, लेकिन मैं इसको आपको इतना वचन दे सकता हूं, आप मेरी बुआ है, कि इसके मैं उन 100 अपराधों को क्षमा करूंगा जिसमें से प्रत्येक अपराध करने पर मृत्यु दंड ही दिया जाता है। ऐसा कहा भगवान ने, लेकिन शिशुपाल समझता नहीं है, ललकारता है, अगर आता है कृष्ण जी को, भगवान गिनते जा रहे हैं, शिशुपाल देखो 5 हो गए, अब शिशुपाल 25 हो गए, अब शिशुपाल 50 हो गए, भगवान गिनाते जा रहे हैं, शिशुपाल मान नहीं रहा। राजसूय यज्ञ में पहुंचा है, श्री कृष्ण को बड़े अपशब्द कहे, भगवान गिनते जा रहे हैं। भगवान यद्यपि तब भी क्षमा कर देते 100 अपराध के बाद, लेकिन जब साहब द्रौपदी पर लांछन लगाया है शिशुपाल ने, तब भगवान को बर्दाश्त नहीं हुआ और भगवान ने सुदर्शन को प्रेरा है, सुदर्शन आया, शिशुपाल का सिर दर्द से अलग कर दिया। भगवान की उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने देखा कि गोविंद के हाथ से रक्त की धार बह पड़ी। द्रौपदी इतनी महंगी साड़ी पहन रखी थी, विलंब ने किया, पल्लू को चीर दिया सा, और गोविंद के हाथ में पट्टी बांध दी। गोविंद ने देखा, अरे द्रौपदी, गोविंद बोल पड़े, रहेगा याद ये दिन में, न जीवन मैं भुलाऊंगा, समय पर देखना कृष्णा, तुम्हारे काम आऊंगा, बहन इस रेशमी सारी के तेरे चार तारों पर, बहन इस रेशमी सारी के तेरे चार तारों पर, हजारों साड़ियां देकर, हजारों साड़ियां देकर, तुम्हें दुख से बचाऊंगा, हजारों साड़ियां देकर, तुम्हें दुख से बचाऊंगा, हुआ ऋणी या विनीत एकां, मैं सद भाव का तेरा, हुआ ऋणी या विनीत एकां,
का मैं सद भाव का तेरा सरे दर बार में आकर मैं तुझको खुद बचाऊंगा हरे दर बार में आकर मैं तुझको बचाऊंगा। भगवान ने कह तो दिया, द्रौपदी ने सोचा ये तो माधव है, गिरधर है, गोविंद है, ये तो कहते रहते, ये कहां कुछ होने वाला है। और समय का चक्र ऐसा घटा सा, ऐसा घटा, ऐसा घटा, ये पांडव पहुंच गए कौरवों के छल की सभा में, दूत सभा में अपना वैभव हार गए। वो इंद्रप्रस्थ की महारानी, वो सम्राज्ञी ऐ निर्भर बैठी थी, द्रौपदी को हार गया युधिष्ठिर, दुशासन को भेजा है गजेट कर लाओ स्वाभिमानी को। किसी कवि ने लिखा है, श्वेता राय ने लिखा है, अग्नि कुंड से थी जन्मी सुंदरता की मूरत थी, द्रुपद सुता वो ज्ञान मान में माँ वाणी की सूरत थी, आज भूमि पर गिरी पड़ी वो आभा से हीन हुई, इंद्रप्रस्थ की थी वो रानी पर वैभव से दीन हुई, बैठे थे धृतराष्ट्र पितामह द्रोणाचार्य भी साथ में है, शूर वीर सम्मानित सारे हाथ बले बस हाथ में है, वो रानी थी रजस्वला जो खिड़ी दरबार में खींच रहा दुशासन जिनको पूजित थी संसार में, देख रही कृष्णातन कातर देख रही कृष्णावन कातर, सूर वीर अपने स्वामी बैठे थे लाचार वहां सब जगत कहे जिनको नामी, शोकाकुल थे मौन वहां सब लज्जा से गल जाते हैं, कौन कहे मेरा कहे द्रौपदी कब उत्तर बोलते पाते हैं, बीच सभा में खड़ी द्रौपदी मांग रही सत की भिक्षा, कहती है वो राजसभा से भूल कही क्या सब शिक्षा, एक वस्त्र में आज यहाँ मैं दल दल में गिरती जाती, धर्म पुरोधाओं क्या तुमको लाज तनिक भी न आती, मान तुम्हारा ही क्या जग में मेरा भी सम्मान नहीं, दाव लगा क्यों बैठे पांडव मुझको मुझ में क्यों अभिमान नहीं, बैठे हैं चुपचाप पितामह कुल की ज्योति मलिन हुई, आज लगा मुझको धरती वीर पुरुष से हीन हुई, वस्त्र पकड़ कर खड़ी द्रौपदी पास खड़ा है दुशासन, दुर्योधन अब कहा लाओ जंघा पर दे दो आसन, बचा सके अब स्वाभिमान को नीति से वो उलझ पड़ी, बलशाली कौरव के आगे क्षमता भर
सारी थी लड़ी खड़ी। भूल गई वो राज सभा, भूल गई थी मर्यादा, उमड़ पड़े त्रिकनद से आंसू, पीर बढ़ गई जब ज्यादा। भूल गई वो तन अपना फिर भूल गई संसार को, याद रहा बस किशन कनाई ये बचपन के प्यार। बुलाया द्रौपदी ने, पुकारा सबको, लेकिन कोई नहीं हारा। वो बलवान धनुर्धर गदाधर सब लज्जित होकर गले जा रहे भूमि पर। वो पितामह द्रौपदी सबको ललकारती, लेकिन कोई उत्तर नहीं दे पाता। जाना गिरधारी ही अब रक्षण करेंगे। अब द्रौपदी को याद आया कि गोविंद ने कहा था, हे द्रौपदी मैं सरे दरबार तेरे काम आऊंगा, अब तू मुझको पुकार, मुझको पुकार, मुझको पुकार। हाय हाय द्रौपदी को स्मरण आया, अरे गोविंद मैंने तो सुन समझा था तुम छिठोली कर रहे हो, तुम्हारी बात का क्या विश्वास, लेकिन गोविंद ये तो सत्य हुआ। हे क्षमा करना गोविंद, हाय हाय पुकारा है। आओ सुनो द्वारिका वासी, बनवारी है गिरधारी, प्रेम रूप गोपी वल्लभ जीवन लगता है भारी, झेल रही अपमान यहाँ में, शक्तिमान है मीन सुनो, हार गए हैं पांडव मुझको, अजब खेल की रीत सुनो। गोविंदा हे कृष्ण कन्हाई, आओ बन जीवन दाता, कहाँ छुपे हो ब्रजनंदन तुम, सर्व जगत के हो ज्ञाता। मीत शरण में आन खड़ी में, रक्षा मेरी आज करो, लाज बचाने को मधुसूदन, आकर मेरी बात धरो। हे काना आओ की रट सुन, कंपित वसुधा डोल ही, करुणा कातर आद्र सुरों में, हवा वहां की बोल ही। बेसुध हो फिर गिरी द्रौपदी, धर्म पता का थी होती, आज एक नारी पुरुषों में थी अपना वैभव पोती। भूदर एक विशाल बन गया, भूदर एक विशाल बन गया, 10 गज वस्त्र अपार हुआ, निर्वस्त्र द्रौपदी को करना कौरव क्षमता के पार हुआ। लिए वास थे कृष्ण कन्हाई, मलिन रजस्व लचीर में, वस्त्र रूप वो बन कर आए, द्रुपद सुता की पीर में। भीषण तम जब घना अंधेरा, तिमिर नाश करने आते, ज्ञान मान मर्यादा गरिमा, संबल बन सब पर छाते, साक्षी बन भगवान कह रहे, मीत सदा अपने होते, साक्षी बन भगवान कह रहे, मीत सदा अपने होते। विमुख समय में साथी कोई, कभी कहां छोड़ रोते, जय बोलो मधुसूदन की सब, जय बोलो गिरधारी की, जय बोलो सब मीत मिताई, जय बोलो वनवारी की, जय उसका जो आज अजर,
जय उसका जो आज अजर साथ है, जय भव के रानी, जय हो राजा अमर प्रेम के, जय हो प्रीत की ये कहानी, जय हो राजा अमर प्रेम के, जय हो अमर की प्रीत कहानी। आशा द्रौपदी के पीर में भगवान आए थे हैं।